बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको फ्रेंच टोस्ट बनाना सिखाऊंगा। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। सबसे पहले आपने इसके लिए 1 कप चीनी ले लेनी है। इसके अंदर आपने 3 अंडे डालने हैं। आपने कोशिश करनी है कि आपने तीनों अंडों को अलग अलग डालना है, क्योंकि इसमें अक्सर अंडे ख़राब भी निकल जाते हैं, इसलिए आपने तीनों अंडों को अलग अलग करके डालना है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, इससे बहुत हौसला अफजाई हो जाती है। ये देखें, इसमें अंडे डाल दिए। अब इसके अंदर आपने 1 कप दूध डालना है। 1 कप दूध डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह बीट कर लेना है। इसको आप अच्छी तरह, आप इसको मशीन से भी कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। इसको अच्छी तरह बीट कर लेना है आपने कि ये मिक्स हो जाए अच्छी तरह। इसको भी मुसलसल आपने बीट करते रहना, ताकि वो जो चीनी नीचे बैठी है वो भी अच्छी तरह हो जाए। अब आपने देसी 1 से 2 चम्मच आपने देसी घी तवे पे ले लेनी है। ये देखें, इस तरह के फॉर्म में ये बिल्कुल अच्छी तरह तैयार हो गया है। अब आपने ब्रेड लेके इस ब्रेड को इसमें डिप कर देना अच्छी तरह। ये देखें, इसको आप देसी घी में बनाइएगा तो बहुत मज़ेदार बनेंगे। वैसे आप ऑयल में भी बना सकते हैं, बनस्पति घी जो होता है, लेकिन अब देसी घी में बनाएंगे तो वो ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। देखें जी, इसी तरह आप जो बाकी स्लाइसेस हैं उनको भी डिप कर दें अंडे में, जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें। ये दूसरा स्लाइस भी आ गया चूल्हे पे। अब आपने इसके ब्राउन होने का इंतज़ार करना है। ये देखें जी, माशाल्लाह ब्राउन हो चुके हैं। ये आप इसको चाय के साथ या सुबह के नाश्ते में आप इसको लेंगे, बहुत मज़ेदार बनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, उम्मीद है। आगे भी मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।